Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप लोग? और वेलकम टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम माई सेल्फ माई ओन चैनल, क्योंकि मैं लिजिट भूल गई थी कि मेरा एक अदर यूट्यूब चैनल भी है जिसको मुझे अपडेट करना है, बिकॉज घर में रेनोवेशन चल रही थी, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं बिल्कुल आउट ऑफ आइडियाज़ हो गई थी। बट फिर नाउ अभी के लिए हम लोग वापस आ गए हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम लोग ज़्यादा मतलब बात नहीं करेंगे इस तरीके से आमने सामने बैठ के, क्योंकि आज की वीडियो को मैं बहुत छोटा प्रिसाइज रखना चाहती हूँ। मैं सिर्फ वो एक अपना कॉर्नर दिखाना चाहती हूँ जो मैंने बनाया था। बनाया तो सच कुछ भी नहीं था उसके अंदर, बस थोड़ी बहुत चीज़ों की एडिशन करा है, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, एक नई फर्नीचर इस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया है एंड ऑल दैट। शेल्फिंग थोड़ी अलग हुई है, सो आई रियली वॉन्टेड टू शो यू ऑल दैट। और क्योंकि अब मेरा ज़्यादातर टाइम यहीं गुजरता है, हर चीज़ मेरी जो मुझे ज़रूरत है वो यहीं पर होती है। फिर नाउ आज हम सिर्फ आपको जो है मैं अपना थोड़ा सा रीडिंग कॉर्नर दिखाऊंगी, कुछ नई बुक्स दिखाऊंगी जो है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देख ली होंगी और अगर आपने नहीं देखी है, मिस कर दी है, तो आप अब देख लीजिएगा, नॉट अ बिग डील। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लग रहा है कि दैट या इस चैनल तो सब्सक्राइब करना चाहिए, या दिस चैनल इज क्वाइट गुड, दिस गर्ल इज क्वाइट गुड, या शी इज़ फन, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो लगाऊं इंशाल्लाह ताला तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। एंड डू लीव अ लाइक एंड अ कमेंट, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ माय रीडिंग कॉर्नर। है तो वो अभी तक उस सेम रूम में ही, बट ये सोफा यहाँ पर आ गया है, वो पौधा वहाँ चला गया है, इसके अलावा शेल्फिंग की पोजिशन चेंज हुई है, वॉल कलर चेंज हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने इस बार ब्लू कलर करवाया अपनी वॉल पर, पहले वाइट थी, ब्लू इज़ लाइक माई फेवरेट कलर और लिटरली मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी ब्लू कराने की। और अभी मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ कि मैंने इसके साथ क्या किया था इस रूम में, तो वो ये चीज़ है, मैंने यहाँ पे ये लाइट्स लगवाई हैं। इसमें तीन शेड होते हैं, वाइट, वाइट एंड वार्म एंड सिंपल वार्म। तो सब मैंने सिर्फ वार्म लाइट ऑन करी हुई है और ये कोई इतना ज़बरदस्त लगता है ना, लाइक आई स्वेयर ये एरिया निकल कर आ जाता है जब मैं वार्म लाइट ऑन करती हूँ। तो क्या वो आई हैड सम लाइक प्लांट्स मोर, मतलब थे तो वही वाले पुराने, बट थोड़ी सी प्लेसमेंट चेंज की है तो इट लुक्स क्वाइट फ्रेश टू मी। अच्छा, अभी इस वॉल पर जो है ना कुछ फ्रेम्स आने हैं, अभी तक वो सोचा जा रहा है कि वो कौन से फ्रेम्स होंगे जो यहाँ लगेंगे, बिकॉज ये मुझे बहुत एम्प्टी लग रही है। फर्स्ट आई थॉट कि मैं कुछ उस कॉर्नर पे शेल्फिंग करवाऊँ, जो कॉर्नर वाले मेरे होते हैं ना ट्रायंगुलर शेप के, पर मुझे लगा उससे मतलब ये सेक्शन बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, विच आई डिडंट वांट, सो मैंने अभी इसको प्लेन रहने दिया है। सो या अच्छा, पहले मेरा इरादा था कि मैं यहाँ के लिए ना सेपरेट सोफा लाऊंगी, बट देन व्हेन आई वेंट टू द मार्केट एंड रियलाइज द फर्नीचर पीसेस वाकई बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो मुझे लगा कि हमें घर को ही घर के अंदर ही से कुछ निकाल के यूटिलाइज करना है। तो ये मेरा एक पुराना सोफ़ा था, मतलब पहले वाले फर्नीचर सेट का सोफ़ा था, तो जिसको मैंने यहाँ पर अब रख लिया क्योंकि ड्राइंग रूम के लिए अम्मा ने जो है वो दूसरा सोफ़ा लिया था, तो सेट के आप मुझे ये वाला दे दें, तो मैंने इसको अपने पास एडजस्ट कर लिया, विच इज़ वेरी कम्फर्टेबल। एंड देन आई हैव दिस वेरी प्रिटी कुशन, जो कि सबको पता होगा, ये मुझे सौ स्पीके का जो बॉक्स था, जो मैंने बुकिश बॉक्स लिया था, इसकी वीडियो मैं लिंक डाउन कर दूंगी इफ़ यू वांट टू चेक द वीडियो आउट, तो ये मुझे उसमें से प्लो कवर आया था, इसको मैंने यहाँ यूज़ करा। एंड देन दिस, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये भी मुझे मार्केट से मिला था, इट्स लाइक वेरी सॉफ्ट एंड ऑल दैट, इस पर लिखा अभी कुछ बहुत चीज़ें लिखी हुई समझ नहीं आ रहा है, सो या इस पर लिखा हुआ है जुनेद मास्टर प्रिंस माइंडेड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड बाय, उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है एक ही चीज़ को। तो या सो ये शेल्फ अब इधर आ गया है, क्योंकि मुझे पहले पता है मैंने वाइट वाले इधर रखे थे, बट वो मुझे ब्लू वॉल फेस नहीं हो रहा था, तो मैंने दोबारा से इनको इंटरचेंज किया, ये वाला इधर आ गया। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर अब काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। सबसे पहले तो ये कि जो मेरी ये थिक बुक्स हैं जिसमें से मैंने सिर्फ अब तक एना कैरेनिना पढ़ी है लास्ट ईयर, और उसके बाद ये जो बुक्स हैं ना, ये मैंने अब यहाँ रख दिए ताकि मुझे आते जाते याद दिलाती रहें कि इन्हें मुझे पढ़ना है और इन्हें मुझे बहुत जल्द पढ़ना है, जिसके अंदर मेरा रैंडम सामान होता है लाइक पोस्टर्स वगैरह, सम टिश्यूज एंड ऑल दैट, हर चीज़ वही ज़्यादातर सेम ही है। और इसमें मेरे बुक मार्क्स हैं, यहाँ पे जो है मैंने अपनी क्लासिक्स दिखाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, अब सीन इट कि मैं एवरी मैन कलेक्शन की वीडियो कर रही हूँ, एडिशंस की जो है उनकी कलेक्शन कर रही हूँ, सो देयर इट गोज लाइक क्लासिक्स एंड ऑल दैट, अभी इसको रहने दें। देन मेरे हार्ड कवर्स सारी बुक्स के, एंड देन माय गेम ऑफ थ्रोन सीरीज, और उसके अलावा दो बुक्स और रखी हुई हैं,
मेरा अल्टीमेट इतवार बाज़ार से लिया हुआ बॉक्स जो कि 90 रुपए का मुझे मिला था। और मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि प्लीज़ अगर अच्छी चीज़ और मतलब पायदार चीज़ और कम में चीज़ लेनी है सो गो टू गुलशन वाले इतवार बाज़ार। उसके बाद ये एज यूजुअल मेरा प्लान इधर आ गया है। ऑन टॉप ऑफ शेल्फ मैंने अपनी उर्दू की बुक्स और एज यूजुअल अपने दोनों बहुत बेस्ट जो मेरे जेन ऑस्टिन के कंप्लीट नॉवल हैं ऑस्कर वाइल्ड कलेक्शन वो मैंने रखी हैं। दो प्लांट्स मेरे फेक हैं वहाँ पे। सीरीज जो है हट गई है, शेडो एंड बोन यहाँ से जा चुकी है, वो नीचे की तरफ शेल्फ में आ चुकी है, वो मैं दिखाती हूँ। रैंडम बुक्स हियर, सम सीरीज राइट हियर। मुझे वैसे ब्लड एंड हनी को इधर रखना चाहिए था सरपेट एंड डव के साथ, बट देन आई रियलाइज कि उसका तीसरा पार्ट भी आने लगा है और इसके साथ ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कोर शेल्फ लेना पड़ेगा, लाइक हाईली मुझे लेना पड़ेगा कोर शेल्फ। क्या करना है ये भी मुझे भी नहीं पता। देन आई हैव वी शॉप स्ट्रीट्स यहाँ पर आई हुई हैं, सीक्रेट हिस्ट्री इफ यू वर विलेंस एंड ऑल दैट दीज बुक्स वही हैं कि बस थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं, उनकी प्लेसमेंट्स इधर उधर हो गई हैं। देन आई मेड दिस ली बर्दुगो शेल्फ विथ ऑल ग्रिशा वर्स। इसके अंदर अभी एक और बुक आनी है, उसके यहाँ पे जगह नहीं है, बट आई डू दैट। दो तीन बुक्स यानी स्पेशल एडिशंस मैंने मंगवाए हैं शेडो एंड बोन के जो मेरे पास मई या जून तक आएंगे, तब तक आई होप मेरे पास एक और शेल्फ भी आ जाएगा। एंड देन दिस ग्रीक स्ट्रीट्स बाय स्टीफन फ्राई, या स्टीफन फ्राई एंड देन द सॉन्ग ऑफ एकिलेस और शेक्सपियर वगैरह जेन ऑस्टिन ये इधर आ गई हैं क्लासिक्स। उसके बाद रैंडम बुक्स हियर, सम कोलीन हूवर एंड रोमांटिक कलेक्शन ओवर हियर। कुछ बुक्स जो हैं वो नीचे जा चुकी हैं, मैं नीचे के शेल्फ में वैसे, और वो मेरे प्रॉप्स हैं उन तीनों बॉक्सेस में, इसमें भी मेरे प्रॉप्स आ गए हैं। सो या दिस इज़ लाइक द होल शेल्फ एंड आई रियली थिंक कि मुझे एक और शेल्फ की नीड है, बट क्योंकि अब इस एरिया में जगह नहीं रही है सो प्रॉब्ली आई विल मूव दैट शेल्फ टू माई रूम, वहाँ पर मुझे कुछ एडजस्ट करना पड़े या लॉन्च में, सो वो हम देखेंगे कि क्या करना है। और बट आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड एज मच एज आई कैन, और जितना मैं ऐड करूंगी वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। दिस इज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज से आप जो भी वीडियो देखोगे इंशाल्लाह वो इसी सेटिंग में आएगी, थोड़ा बहुत कैमरा इधर उधर मूव हो जाएगा बट जगह यही रहेगी। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी योर रिस्पॉन्स बिकॉज मैं काफ़ी टाइम बाद डाल रही हूँ, सो लाइक आई एम नॉट रियली होपिंग कि वैसा ही वाला रिस्पॉन्स आएगा, बिकॉज यू नो अगर आप अपडेट ना करते रहो तो पीपल लाइक लूज इंटरेस्ट, विच आई टोटली अंडरस्टैंड, मैं भी होती किसी की जगह तो यही होता। बट आई रियली होप टू सी योर रिस्पॉन्स ओवर हियर और ओवर ऑन इंस्टाग्राम, और आप लोग जहाँ पे मुझे फॉलो करते हो वहाँ पे अगर आप बताना चाहो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी या मेरा पूरा एरिया कैसा लगा, सो प्लीज़ डू टेल। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसी वीक के अंदर अंदर एक और वीडियो अपलोड कर दूँ सो दैट या कंसिस्टेंसी बरकरार है, इसमें कंसिस्टेंट रहूँ, बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट कि अगर मैं इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से गायब हूँगी तो पीपल वुड एक्चुअली मिस मी, बट दे डिड एंड आई एम सो ग्लैड, सो हैप्पी फॉर देम, सो हैप्पी टू हैव देम इन माई लाइफ। और अल्लाह आप लोग को बहुत खुश रखे, लिटरली थैंक यू गाइस, मेक मी सो हैप्पी, अल्लाह आप लोग को भी बहुत खुश रखे। वी आर साइनिंग ऑफ और उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत खुश रहेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे और अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।